सो हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन टू स्मार्ट विद स्ट्रेटजीज। तो ये लास्ट वीडियो में हमने बैटमैन का पहला पार्ट किया था और उसमें हमने क्या देखा था, मेरी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब लोगों की क्वेरी थी कि यार सर, अगर मेरी मार्केट नीचे की तरफ जाए तो क्या ये पोजीशन हेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो अगर आपने पहला पार्ट ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने क्या किया था, पुट का एक एक्स्ट्रा लॉट बाय किया था जिससे मेरी ब्लू लाइन ऊपर की तरफ गई थी। और यही जो चीज है यहाँ पे आगे आपके काम आएगी, जो गिरती हुई मार्केट में भी आपका साथ देगी और आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर आपने दोनों पार्ट ध्यान से देखे तो आपको एक पता लग जाएगा कि रेगुलर अर्निंग मार्केट से कैसे की जा सकती है। अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है, मैंने बनाई है जून 3 को। और आपको पता है जून 3 को क्या हुआ था, जून 3 को एग्जिट पोल आए थे जिससे मेरी मार्केट जो है एकदम से ऊपर हो गई थी। इस टाइम मैं देखूं तो 12 बजे मार्केट का जो स्पॉट चल रहा है वो चल रहा है 23227। मैं यहाँ पे निफ्टी 20 की वैल्यू लेके चल रहा हूँ 232, और मेरे को कितनी 20 बाय करनी है, 2520 बाय करनी है। अगर मैं 232 के अकॉर्डिंगली 2520 बाय कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे टोटल कैपिटल यूज आता है वो आ रहा है 5,80,000, ठीक है, जो मैंने साथ में लिखा हुआ है। अब इस पे देखते हैं कि स्ट्रेटजी कितने तक लगेगी। मैं अगर इसको यहां तक देखूं, सबसे पहले तो मैं इसमें आपकी पूरी की पूरी आपको स्ट्राइक्स आपको शो कर देता हूं। मैं इस पे स्ट्राइक्स अगर शो करूंगा तो नीचे की तरफ देखिए, मैंने यहां पे एक लॉट बाय किया हुआ है 23,500 का, 24,000 के मैंने 5 लॉट सेल किए हैं, उसके बाद मैंने 4 लॉट बाय किए हैं। अगेन मैंने 500 के मल्टीपल का एक लॉट बाय किया है, उसके बाद मैंने 22,500 के 5 लॉट सेल किए हैं और मैंने यहां पे क्या किया है, 4 लॉट बाय किए हैं। लेकिन अभी मेरी क्या है, ब्लू लाइन नीचे की तरफ है, इसलिए मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें एक लॉट इंक्रीज करना है ताकि मेरी ब्लू लाइन ऊपर आ जाए। तो मैंने यहां पे किया एक लॉट इंक्रीज। जैसे ही मैंने एक लॉट इंक्रीज किया तो आप देख सकते हो मेरी ब्लू लाइन ऊपर आ चुकी है। अब मेरे को क्या पता लगेगा कि मेरे को यह स्ट्रेटजी कितने लॉट से बनानी है। यहां पे मेरी मार्केट है 23,227 पे, मेरा लॉस कहां से शुरू हो रहा है, लॉस यहां से शुरू हो रहा है 24,241 से। 24,241 पे मेरा लॉस शो हो रहा है यहां पे 9,100 के राउंड, यानी कि मेरा 1000 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ेगा तो मेरा लॉस यहां पे रहेगा 9,100। लेकिन मेरे पास 20 की क्वांटिटी कितनी है, 2500। अगर मेरी मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा, 25,000। इसका मतलब मैं यहां पे अपने लॉट डबल कर सकता हूं। मैंने अपने लॉट डबल किए। अब यहां पे क्या शो हो रहा है, यहां पे शो हो रहा है कि अगर मेरी मार्केट ऊपर भी जाएगी तो मेरे को आज अगर मेरी मार्केट ऊपर जाती है तो मेरे को लॉस होगा 18,000, लेकिन 20 में से प्रॉफिट होगा 25,000, यानी कि ओवरऑल मैं इसमें प्रॉफिट में ही रहने वाला हूं। ओके, अब मैं इसको सेट करके देखता हूं और वन बाय वन हम इसमें एक एक दिन आगे बढ़ाते हैं तो आपको क्लियरली नजर आए, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। अब ये आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी विद ग्राफ नजर आ रही है। अब इसमें एक एक दिन मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैंने यहां पे किया फर्स्ट डे, मार्केट पहले दिन आगे गई, तो आप देख सकते हैं मार्केट हमने कहां से शुरू की थी, 23,227 से। लेकिन बॉस मार्केट कहां भी आ गई है, ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। मार्केट 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरी है लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 16,000, विच इज द 3.2%। ओके, मेरे को ये जो चीजें अभी बुक नहीं करनी है क्योंकि मैंने क्या कहा था कि भाई मेरे को तो मंथ के एंड में देखना है, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा हम उसी को लेकर चलेंगे। तो मैं इसमें एक एक दिन आगे बढ़ाया। अब देखो मार्केट ने रिकवरी ली, मेरा प्रॉफिट कितना 10,000, मार्केट ने और रिकवर किया 7,700। तो मैं जब तक इस महीने की एंड डेट नहीं आती, एक्सपायरी नहीं होती, तब तक इसमें चल रहा हूं, ठीक है। तो इस महीने की जो एंड डेट है वो है 27th, तो मैं इस स्ट्रेटजी को 27th तक लेके चल रहा हूं। अब धीरे धीरे आपने करके बढ़ाना बढ़ाते रहना है और आप देखोगे इस स्ट्रेटजी में आपको किसी भी तरीके की स्ट्रेस नहीं हो रही, जबकि मार्केट इतनी वोलेटाइल रही तब भी आपको कोई स्ट्रेस लेवल इसके नहीं आया। अब मैंने यहां पे मार्केट को और आगे बढ़ाया, यहां पे आगे बढ़ाया एंड यहां पे ये किया, मार्केट में मेरे को लॉस कितना हो रहा है, 5700 का लॉस हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी मार्केट 700 पॉइंट्स अप आ चुकी है, तो मेरी जो 20 है कितनी बड़ी होगी, 7 × 2500, यानी कि 20 में से प्रॉफिट आ रहा है 17,500, माइनस मैं कर दूंगा 5700, तो मेरा यहां पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 11,800। और अगर आप 11,800 को 5 लाख
80,000 से डिवाइड करेंगे सो दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2%। सो मेरा सबसे वॉलेटाइल मंथ था उस पे भी मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी से 2% कमाया है। एंड मेन चीज है कि जब मेरी मार्केट नीचे गई थी यानी कि ऑलमोस्ट क्रैश हो गई थी तो जो हमने एक्स्ट्रा पुट बाय कर रखी है उसने हमें सबसे ज्यादा संभाला है। और अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा और करके दिखा देता हूं, अगर मेरी मार्केट जो है नीचे भी जाती और नीचे भी आती तो भी आप देखोगे कि मेरे को जो है प्रॉफिट ही होता, क्योंकि यहां पे मेरे 2 पुट एक्स्ट्रा बाय हैं। तो मेरी मार्केट अगर कल को 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 पॉइंट भी नीचे चली आए ना तो 20 का सिर्फ लॉस ही कवर नहीं करेगी बल्कि ओवरऑल स्ट्रेटजी में आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है ओके गाइस, तो मैंने इस वीडियो को आपकी पुरानी वीडियो का लिंक मेंशन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि पहले आप उस वीडियो को देख लो ताकि आपको पता लग जाए स्ट्रेटजी बनानी कैसे है। एक बार आपको स्ट्रेटजी बनानी आ गई उसके बाद आपको देखना है कि अप मार्केट में इसका क्या हाल होता है, डाउन मार्केट में क्या हाल होता है। जितना आप इसको निफ्टी 20 के साथ प्रैक्टिस करके देखोगे आपको इसमें उतना ही एक्सपर्टीज आएगी। ओके तो अभी हमारा जो है इस पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जैसे मैंने पिछली बार कहा था कवर्ड कॉल पे। ठीक है तो प्लीज उसके लिए वेट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आपको मिल जाए। आने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उससे पहले हमने इसका सेकेंड पार्ट बनाना था जो कि आज आपने आपको दे दिया है। तो अगेन यार थैंक्स फॉर द मोटिवेशन, और अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज ज्वाइन अवर चैनल ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको दे सके। होपफुली आपने पूरी की पूरी वीडियो एंजॉय की होगी। तो पूरी वीडियो में हमने देखा किस तरीके से ब्लू लाइन ने हमें पूरा बचाया। तो यार नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो आने वाली है कवर्ड कॉल पे। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले बना के रखा हुआ है जिसपे आप देख सकते हैं 15,000 से ज्यादा व्यूज आ रखे हैं, लेकिन लोगों ने कहा था इसका सेकंड पार्ट भी बनाना चाहिए। तो मैं इसके लिए कैसा कंटेंट लेके आया हूं जिससे आपको अपनी ट्रेडिंग में और कवर्ड कॉल में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ताकि मैं सारा का सारा कंटेंट आपको दे सकूं।